हिमाचल प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते बद्दी में आम आदमी पार्टी ने भूड़ बैरियर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। वहीं आने वाली 23 तारीख को कांगड़ा में होने जा रहे रोड शो को लेकर चर्चा की। इस मौके पर पंजाब के रोपड़ विधानसभा से नव नियुक्त आम आदमी पार्टी विधायक दिनेश चड्डा और हिमाचल प्रदेश प्रभारी कुलवंत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही हर गांव में जाकर लोगों को जोड़ने के लिए कहा। इस कार्यक्रम के दौरान दून की पहाड़ी पंचायत साई के उप प्रधान ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा। दयाल सिंह, मेरे घर पे ही रखी गई है मीटिंग, मैंने रखवाई है, अपने घर पे ही रखाई थी। पर हमने तो आज सरकार के विरुद्ध जो भी है कार्रवाई हमने करनी है, अब शुरू कर दिया है। अभी हमारा पहला दौरा केजरीवाल जी का मंडी में हुआ था, तो मंडी से दहल के जी जब उन्होंने वहाँ देखा कि इतना गलबा इकट्ठा हो गया है, तो उसको देख के सीएम ने पहले 60 यूनिट किए थे, अब 125 यूनिट का दिए। अभी तो दूसरा दौरा आएगा तो ये 200 पर जाएंगे। दून विधानसभा क्षेत्र में आज हमारा यहाँ आने का कार्यक्रम जो है वो 23 तारीख को श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो विशाल जनसभा कांगड़ा के चंबी ग्राउंड में रखी गई है, उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आज चर्चा करी। और विशेष तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं, संगठन में किस तरीके से काम करा जाए, संगठन के विस्तार को लेकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में चर्चा करी। पंजाब के बाद अब हिमाचल में नए बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, क्योंकि मुल्क के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं श्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने मुल्क की राजनीति को बदल दिया है और मुल्क की राजनीति को लोगों के, आम लोगों के मुद्दों के ऊपर लेकर आया, तो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी